बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टीज, चलो जब हम लोग हैलोजन्स की बात करते हैं, जब हम लोग हैलोजन्स की बात करते हैं, तो हमारे पास कितने हैलोजन्स हैं? वैसे तो चार, कौन से चार? फ्लोरीन। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। ये चार फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं, ठीक है ना। अब ये जो चार फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, क्लोरीन का साइन कैसा होता है? F, क्लोरीन का क्या होता है? Cl, ब्रोमीन का होता है Br और आयोडीन का होता है R। मतलब पर क्लोरीन की बात तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं की गई, तो हम लोग इसे नहीं पढ़ रहे। कोई खास वैसा कुछ पढ़ना भी नहीं होता है, पर हमें पता है चार हैलोजन्स होते हैं, तुमको तीन बताए कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इनके प्रीफिक्स लगते हैं, इनके क्या लगते हैं? प्रीफिक्स लगते हैं। क्या होते हैं प्रीफिक्स? क्लोरीन के लिए होता है क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्या होता है बेटा? क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या होता है? ब्रोमो। आयोडीन के लिए क्या होता है? आयडो, ठीक है ना। अब समझो, मेरे पास मीथेन था क्या? CH4। CH4 कुछ इस तरीके से बनाया था हमने, याद है क्या? अब इस CH4 में से क्या करा मैंने, एक हाइड्रोजन की स्पेस की जगह पर क्या लगा दिया? एक क्लोरीन। क्या लगा दिया? एक। तो क्लोरीन अब ये क्या बन गया बेटा? अब ये बन गया क्लोरोमीथेन। क्या बन गया? क्लोरोमीथेन, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं इथेन बनाने को जाऊं तो कैसा था? सी एक दो तीन, सी एक दो तीन, ठीक है ना। इसमें से मैंने कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया और इस हाइड्रोजन की जगह लगा दिया क्या? बी आर, यानी कि ब्रोमीन। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा? अब ये बन जाएगा ब्रोमो इथेन, ठीक। सिमिलरली अगर मैंने तीन का अपन एटम लिए, एक दो तीन चार ले लिए, एक हाइड्रोजन तो लगने ही है क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन तो लगने ही क्योंकि ये कौन है? हाइड्रोकार्बन है। लेकिन हमने एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या लगा दिया? आय। तो आय के लिए क्या लिखेंगे? आइडो। और एक दो तीन चार कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे? ब्यूटे। क्या इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है। तो जब हम लोग इस तरीके से लिखने को जाएंगे, जब हम लोग इस तरीके से लिखने को जाएंगे तो हमारे पास ये चेन किस तरह से बनती हुई दिखेगी बेटा? ध्यान से देखना, सबसे पहले दिखेगा मुझे CH3X, देखा CH3 क्लोरीन। फिर हमें दिखेगा C2H5X, कार्बन दो हाइड्रोजन पांच। फिर हमें दिखेगा C3H7X, फिर हमें दिखेगा C4H9X, ये सुनो। यानी कि हर बार जब कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 1 + 1, हाँ कि नहीं? जब कार्बन दो हुआ तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 2 + 1। जब कार्बन तीन हुआ तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 3 + 1। जब कार्बन चार हुए तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 4 + 1। यानी कि जब कार्बन एन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 × n + 1। यानी कि जब हम लोग इनका जनरल फॉर्मूला लिखने को जाएंगे, जब हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिखने को जाएंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+1 × x। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? ठीक है ना। तो जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं? अल्कोहल की। तो अल्कोहल अपने आप में क्या होता है बेटा? ओ एच होता है। क्या होता है? ओ एच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। क्योंकि तुमको फंक्शनल ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ही बनाने को आएंगे, आने वाले हैं, छप चुके हैं। देखो, अब जब हम लोगों ने क्या किया था, अल्कोहल पे सफिक्स लगता है क्या? ओल। क्या लगता है? ओल। अब जब हम लोग क्लोरीन की बात करते थे, हम लोगों ने क्लोरीन ऐड किया था, हमने क्या बताया? देखो, कार्बन है, इसके पास चार हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो हम लोग एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हटा देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे? एक ओ एच, ठीक है ना। तो अब इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा मीथेनोल। इसका नाम क्या होगा?
मीथेन नो ठीक है। फिर हमने बोला नहीं, अगर हमको दो कार्बन लेने हो तो एक दो, और यहाँ लगा दिया OH, तो अभी क्या बन जाएगा बेटा, इथेनॉल, क्योंकि दो कार्बन आ गए। हाँ के नहीं, वैसे ही मानो मैंने तीन कार्बन लेने होते, ठीक है ना, सी ए दो ए दो तीन, इसे क्या बोलेंगे अरुणी, तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रो, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनोल, ठीक है ना। अगर इसकी जगह चार कार्बन होते तो क्या कहेंगे, ब्यूटेनोल, क्या आएगा इसका नाम बेटा, ब्यूटेनोल, क्लियर है। अब जब इन सबके हम लोग कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखने को जाएं, जब इन सबके कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखने को जाएं, तो इसका मीथेनॉल का क्या होगा, CH3OH, इथेनॉल का क्या होगा, C2H5OH, ठीक है ना, प्रोपेनॉल का क्या होगा, C3H7OH, ब्यूटेनॉल का क्या होगा, C4H9OH, क्लियर है क्या। जब इसका जनरल फॉर्मूला बनाने को जाओगे, जब इसका जनरल फॉर्मूला बनाने को जाओगे, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, बना सकते हो, इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CN H2N+1OH, या फिर CNH2N+2O, ये समझ में आया, और करके +2O क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये +1 था, अपन ने ये वाला भी एच इसमें ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया, 2N+2O, इज इट क्लियर, छाप लो इसे फटाफट। अब देखो लास्ट फंक्शनल ग्रुप आज का कौन सा है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कब ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड एच, इसको हम लोग लिखते कैसे, COOH, ठीक है ना, सफिक्स क्या होता है इसका, ओइक एसिड, याद करो जब टर्म वन में तुम बड़ा करते पढ़ाई करा करते थे, तब तुमको याद होगा एनस्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मीथेनोइक एसिड, मतलब कितने कार्बन, एक, देखो अब मीथेनोइक एसिड बनाया अपन लोग, H-CO-OH, कितने कार्बन है, एक, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मीथेन, और क्योंकि COOH लगी रहा है इसी के साथ में, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथेनोइक एसिड, विनेगर में क्या होता था, इथेनोइक एसिड, कैसे आया, COOH, पहले यहाँ हाइड्रोजन लगाया था, अब यहाँ क्या लगा देंगे, कार्बन, और कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बनाता है, चार, ठीक है, तो एक तो उसने ये बना लिया, और तीन किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, दो, तो इसे क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, तो अगर क्या प्रोपेनोइक एसिड बनाने को बोलो तो वही बना लोगे क्या, हाँ कौन सी बड़ी बात है, यहाँ दो बार कार्बन जोड़ देंगे, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, तीन, ये आ जाएगा CH2, क्योंकि इसके दो बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर बन चुके हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री, तो ये हो जाएगा CH3, CH2, COOH, विच इज प्रोपेनोइक एसिड, इज दैट क्लियर, ब्यूटेनोइक बना है कि समझ गए, चार सी लग जाएंगे, अब एक सी तो COOH का है ही, और कितने लगेंगे, तीन, सी
CH2, CH2, CH3। आया क्या समझ में? इसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। इसका जब जनरल फॉर्मूला निकालने को जाओगे तो हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला निकल कर आएगा CnH2nO2। ये क्या है इसका जनरल फॉर्मूला? भूमि को तो यकीन हुआ नहीं कि ये कैसे आ गया। मैंने कहा देख बेटा, यहाँ पर कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है। फिर मैंने कहा यहाँ पर देख, यहाँ पे कार्बन दो है तो हाइड्रोजन चार है, तीन और एक, लेकिन ऑक्सीजन तो अभी भी कितने हैं? दो ही है। फिर मैंने बोला देख यहाँ पे कार्बन तीन है तो हाइड्रोजन छह है और ऑक्सीजन दो है, हाँ कि नहीं? ये एक दो तीन कार्बन, तीन और दो पांच और एक छ, और यहाँ पर मैंने कहा देख C4H8O2। इज दैट क्लियर? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड तक बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया, हाँ कि नहीं?